श्री ब्रह्मोत्सव के नवे दिन अर्थात अवमृत स्नान वाले दिन भगवान पालकी में शोभा यात्रा हेतु पधारते हैं। जब भगवान अपने मंदिर में वापस लौटकर पधारते हैं उस समय श्री लक्ष्मी जी उन पर अपराध भरी दृष्टि से देखती हुई कुपित होती है। उन्हें शंका हो गई कि उनके प्रियतम भगवान गत रात्रि को किसी अन्य नायिका के साथ मिलने हेतु पधारे थे। मुझे तो वे यहीं रंगमहल में सोती हुई छोड़कर चुपके से निकल गए थे। अतः वे अपनी सखियों को आज्ञा देती हैं कि यह वंचक धूर्त प्रियतम मंदिर में अंदर न आने पाए। स्वामिनी की आज्ञा पाकर उनकी सखियां उस द्वार को बंद कर लेती हैं। भगवान द्वार बार बार खटखटाते हैं और अपनी प्रियतमा लक्ष्मी जी को अनेक प्रकार से विश्वास दिलाते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा कि है प्रियतमा आप सोच रही हैं। अब तो श्री भगवान तथा श्री महालक्ष्मी जी का वाग्वेदग्धि पूर्ण कलह प्रारंभ होने लगता है। भगवान कहने लगते हैं कि हे प्रियतमा, मैं तो शिकार खेलने गया था, दूर से आ रहा हूँ, इन्हीं कारणों से मुझ में जो आपको चिन्ह दिखाई दे रहे हैं ना, उन्हें तुम किसी दूसरी स्त्री के साथ कौतुकी में रति के अवसान में होने के समान मान रही हो। इस प्रकार से अनेक वाद विवाद उन दोनों में संपन्न होते हैं। द्वार बंद होते ही भगवान दो चार डग पीछे हट जाते हैं। इस प्रकार का वाद विवाद जब बहुत समय तक होने के पश्चात जब भगवान की किसी प्रकार की शपथ किसी प्रकार की सौगंध भी माता जी अम्मा जी स्वीकार नहीं करती हैं, तब वहाँ श्री षटकोप सूरी जो नायिका भाव में अग्रगण्य हैं वे पदारते हैं। वे लक्ष्मी जी से प्रार्थना कर उन्हें शांत करते हैं। लक्ष्मी जी भगवान का पुनः स्वागत करती हैं। अतिशय प्रेमाधिक्य में दंपति का कलह रोष श्रृंगार रस का पोषक ही होता है। इस प्रणय कलह लीला को भी प्रेम का कलह कहते हैं। फिर प्रेम में कलह कैसा? अतिशय प्रेम में प्रेमी का थोड़ा अपराध प्रियतमा को बड़ा बुरा लगता है और वह अपराध है विशेष रूप से अन्य नायिका के साथ प्रेम क्रीड़ा करना, जो कि उस प्रियतमा को ऐसा ही हो जाता है। उसके आभास मात्र से वह रोषाकुल हो उठती है। इस प्रेम कलह के उदाहरण अनेक साहित्य ग्रंथों में प्रचुरता के साथ मिलते हैं। श्री रामानुज संप्रदाय में षटकोप सूरी श्री कुलशेखर स्वामी श्री परकाल सूरी श्री गोदाम्मा जी ने इस प्रणय कलह का बहुत ही अद्भुत बहुत ही सुंदर अनुभव किया है। श्रीमद्भागवत जी श्री विष्णु पुराण में भी इस प्रणय कलह लीला का अद्भुत रोचक वर्णन है। अब दिव्य दंपति इस प्रकार गेंद से क्रीड़ा करते हैं, प्रेमालाप करते हैं, अर्थात पुष्प की गेंद अर्चक द्वारा फेंककर दोनों ओर से क्रीड़ा होती है। तब प्रधान अर्चक इस प्रणय कलह लीला का पाठ करते हैं, जहां इस नए रंग जी के बांगड़ों के मंदिर में श्री वैकुंठ रमा वैकुंठनाथ के मंदिर में श्री शास्त्री जी इस प्रणय कलह का लीला का पाठन करते हैं। भगवान और लक्ष्मी जी का मिलन होता है। भक्तजन जय जयकार मनाते हैं। बड़े ही अद्भुत भाव सहित वहां पर उपस्थित सभी श्री वैष्णव इस कथा का आनंद पान उठाते हैं। जय जयकार होती है। यह कथा और यह प्रणय कलह लीला की कथा, यह जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो कृपा करके इसे अन्य अपने सभी इष्ट मित्रों को इसे शेयर कीजिएगा, संप्रेषित कीजिएगा और इस कथा के बारे में इस लीला के बारे में आपके विचार नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख करके भेजिएगा और हमारे इस चैनल रवि शर्मा वैदिक मंत्रास पर यदि आप पहली बार पधारे हैं तो कृपा करके इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा एवं साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि आप तक नए नए हमारे अपडेट्स नए नए वीडियोस धार्मिक वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। इसी के साथ हमारा
दूसरा चैनल है रूट्स ऑफ पुष्कर रिकॉर्ड्स, जहाँ पर भी अन्य कई प्रकार के संस्कृत स्तोत्र पाठ भजन आदि आपको वहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो हमारा दूसरा चैनल रूट्स ऑफ पुष्कर रिकॉर्ड्स भी आप चेक करना मत भूलिएगा। जय श्रीमन नारायण, जय पुष्कराज की, जय श्री राम।